नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। आज मैं नेशनल इनकम के अपने पांचवें लेक्चर में अति महत्वपूर्ण बातें आपसे करने वाला हूं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से टिपिकल हैं और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो मैं पांचवा वीडियो अपलोड कर रहा हूं, इसको समझने से पहले प्लीज इसके पहले जो चार मेरा वीडियो है उसको जरूर देखिए और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको इकोनॉमिक से संबंधित सारी कॉम्प्लेक्स अवधारणाएं बड़े सिंपल फॉर्म में आपको मिल जाए और यूपीएससी से संबंधित तमाम ऐसी बातें जो मैं आपको बताने वाला हूं और आप उसे प्राप्त कर सकें। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल दिग्विजय इकोनॉमिका। तो आज हम बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट ने जो नेशनल इनकम मेजरमेंट का तरीका चेंज किया है वो क्या है और ये किस तरीके से काम कर रहा है। बेसिकली आप देखेंगे दोस्तों, 2015 के पहले जो हेडलाइन ग्रोथ रेट गवर्नमेंट देती थी बिफोर 2015, वो जीडीपी फैक्टर कास्ट पे देती थी। 2015 के पहले भारत में जो हेडलाइन ग्रोथ रेट निकाला जाता था वो निकाला था जीडीपी फैक्टर कास्ट पे, बट 2015 के बाद जो हेडलाइन ग्रोथ रेट निकाला जा रहा है वो निकाला जा रहा है जीडीपी कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे। किस चीज पे निकाला जा रहा है? जीडीपी कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे, और इसे गवर्नमेंट रेफर्ड कर रही है एज जीडीपी, इसे जीडीपी के रूप में पढ़ा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो इंटरनेशनली नॉर्म्स है ग्रोथ रेट को मेजर करने का, उस पर हम लोग आ गए हैं। तो हेडलाइन ग्रोथ रेट अब मेजर किया जा रहा है जीडीपी, ओके ना, कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे। पहले यह मेजर किया जाता था जीडीपी फैक्टर कास्ट पे। जो जीडीपी मार्केट प्राइस पे हम ग्रोथ रेट को मेजर कर रहे हैं वो बेसिकली बेसिक प्राइस से निकाला गया है, और इसमें जो यूज किया गया है कॉन्सेप्ट वो जीबीए का किया गया है। जीबीए का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको इसके पहले बता चुका हूं। जीबीए को पहले आइए एक बार फिर थोड़ा सा समझते हैं, फिर इन तमाम चीजों को हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं व्हाट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड, व्हाट इज जीबीए। जीबीए को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि कोई एक प्रोड्यूसर है और वो किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है। जैसे मान लो कि एक टेलर है और टेलर जो है कपड़ा बना, कपड़ा रॉ मटेरियल के रूप में परचेज करके कपड़ा सिल के और शर्ट बना के बेच रहा है, ओके। मतलब रॉ मटेरियल के फॉर्म में वो कपड़ा लेता है और प्रोड्यूस करता है शर्ट। अगर मान लीजिए कि अगर वो 5,000 रुपये का रॉ मटेरियल लिया एज ए क्लोथ और वो 5,000 से 12,000 का शर्ट प्रोड्यूस कर दिया, तो व्हाट इज जीबीए? जीबीए हो गया, यहां पे जीबीए हो गया ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो हो गया वो हो गया फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट माइनस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यहां पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? कपड़ा है। तो फाइनल प्रोडक्ट है उसका 12,000 रुपीज का, और वो जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन के रूप में कपड़ा यूज किया था वो था 5,000 का। तो इसका मतलब जो 7,000 रुपीज वो बेसिकली जीबीए है, ग्रॉस वैल्यू एड है। ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब है कि प्रत्येक चरण में प्रोड्यूसर ने कितना वैल्यू का ऐड किया है, प्रत्येक चरण में इन एवरी स्टेज प्रोड्यूसर ने कितना वैल्यू का ऐड किया। आप देखते हैं जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज यूज करते हैं ना दोस्तों, वो एक ही स्टेज में हमारे सामने नहीं आ जाता, वो कई स्टेज से पास होते हुए हमारे पास आता है। तो कई बार आप देखिए कई चरणों में उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो जीबीए का मतलब है कि एवरी स्टेज प्रत्येक चरण में कितने का वैल्यू एड हुआ। वैल्यू एड निकालने के लिए हम जीवीए का यूज करते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है? रॉ मटेरियल हमने परचेज किया और उसे फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, तो फाइनल प्रोडक्ट के प्राइस में से अगर हम रॉ मटेरियल की प्राइस को रिड्यूस करेंगे तो हमने क्या वैल्यू एड किया इस स्टेज में वो पता लग जाएगा। इसका मतलब अगर हम दूसरे रूप में कहें कि व्हाट इज वैल्यू एडेड, तो वैल्यू एडेड हो गया प्रत्येक चरण में जो लेबर कैपिटल ने जो कंट्रीब्यूट किया है। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या परचेज किया? थ्रेड, और थ्रेड से क्या बना दिया? कपड़ा। तो अगर मान लीजिए कि हमने वर्धमान का थ्रेड खरीदा और रेवंस का उसका कपड़ा बना दिया, तो रेवंस का कंट्रीब्यूशन कैसे पता करेंगे आप? टोटल प्रोडक्शन माइनस रॉ मटेरियल। तो लेबर और कैपिटल तो लगाएगा ना रेवंस, वो लेबर को लगाएगा, कैपिटल को लगाएगा, और लेबर और कैपिटल मिलके वो क्या करेंगे? फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो हमको निकालना होता है कि प्रत्येक स्टेज में कितने का जीबीए हुआ, ग्रॉस वैल्यू एड हुआ। ग्रॉस वैल्यू एड में पिछले ही लेक्चर में बता चुका हूं कि क्या होता है, लेबर कैपिटल का कंट्रीब्यूशन होता है, और यह निकाला जाएगा इस फॉर्मूले से। नंबर वन,
कंपनसेशन टू इंप्लाई सीई, कंपनसेशन टू इंप्लाई सीई। सेकेंड है ऑपरेशनल सरप्लस ओएस, फिर है डेप्रिसिएशन और है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिएगा कई बार पूछा गया व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना एनआईटी, ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। कृपया इसे नोट कर लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में कि व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि गवर्नमेंट जितना इनडायरेक्ट टैक्स कंपोज करती है और कुछ सब्सिडी भी पे कर रही होती है, तो जो इनडायरेक्ट टैक्स वो लगाती है और जितना जो सब्सिडी पे करती है, इन दोनों का जो अंतर है उसको हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीवीए क्या हुआ, कंपनसेशन टू इंप्लाई। कंपनसेशन टू इंप्लाई का मतलब आप समझिए लेबर को वेज। सेकेंड है ऑपरेशनल सरप्लस। ऑपरेशनल सरप्लस का मतलब है रिटर्न्स टू कैपिटल। एक तो आप जो वैल्यूएट करोगे प्रत्येक चरण में, तो जो भी वैल्यूएट करोगे, अगर रेमंड ने धागे से कपड़ा बनाया है तो लेबर को लगाया होगा, मान लीजिए उसने 5000 लेबर लगाया, तो कंपनसेशन टू इंप्लाई वो सबको वेज देगा। और दूसरा वो कैपिटल देगा, तो कैपिटल को क्या उसे रिमुनरेट नहीं करना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड ऑपरेशनल सरप्लस, उसको हम ऑपरेशनल सरप्लस कहेंगे। इसके अतिरिक्त डेप्रिसिएशन भी होगा, क्षरण होगा, वियर एंड टियर होगा कैपिटल में, पूंजी में, उसको भी जोड़ना पड़ेगा। और गवर्नमेंट अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, इनडायरेक्ट टैक्स माने सब्सिडी, तो ये जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए चार ये एलिमेंट है जो जीबीए के पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं, नंबर वन सीई कंपनसेशन टू अप्लाई, ऑपरेशनल सरप्लस, डिप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब मैं दोस्तों ये बताने वाला हूं आपको कि गवर्नमेंट ने जो तरीका चेंज किया, अब वो जो सेक्टरल ग्रोथ रेट है, जो सेक्टरल ग्रोथ रेट है या फिर सेक्टरल वैल्यू रेट है, वो फैक्टर कास्ट पे ना निकाल के किसके ऊपर निकालिए, बेसिक प्राइसेस पे। खूब ध्यान से कंसंट्रेशन बनाइएगा। अब गवर्नमेंट जो सेक्टरल ना वैल्यू एड है, उस सेक्टरल वैल्यू एड को जीवीए फैक्टर कास्ट पे ना निकाल के जीवीए बेसिक प्राइस पे निकाल लिए, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा और ये दोनों में किस तरह के संबंध है, उसको बड़े ही ठीक से जितना कंसंट्रेशन आप बना सकते हैं ना बनाइए, इस चीज को मैं क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं 5 मिनट में। तो आइए सीखते हैं इन दोनों चीजों को कि गवर्नमेंट जो अब मेजर कर रही है सेक्टरल ग्रोथ रेट, सेक्टरल ग्रोथ। देखिए दो चीजें मैं बता रहा हूं, एक तो मैं बता रहा हूं हेडलाइन ग्रोथ रेट, गवर्नमेंट जीडीपी कॉन्स्टेंट मार्केट प्राइस से मेजर कर रही है, पहली चीज। और दूसरा मैं बता रहा हूं कि 2015 के बाद जो सेक्टरल ग्रोथ रेट है ना, वो जीबीए बेसिक प्राइसेस पे गवर्नमेंट निकाल रही है, सेक्टरल ग्रोथ रेट जीबीए फैक्टर कास्ट पे नहीं निकाल रही है। तो जीबीए फैक्टर कास्ट क्या है और जीबीए बेसिक प्राइस क्या है, इन दोनों के बीच मैं आपको अंतर क्लियर करने वाला हूं, बट इसको आप तब समझ पाएंगे जब दो कॉन्सेप्ट आप सीख ले। तो आइए दो कॉन्सेप्ट सीखते हैं, वो कौन से कॉन्सेप्ट है। एक तो दोस्तों है टैक्स। क्या है टैक्स, यहां पे जो टैक्स है ये दो तरह के टैक्स बारे में आपको सीखना है। पहला टैक्स है प्रोडक्शन टैक्स, खूब ध्यान से कंसंट्रेशन बनाइए प्लीज। पहला है प्रोडक्शन टैक्स और दूसरा है प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्ट टैक्स। इसी तरह दोस्तों सब्सिडी को भी हम दो भाग में बांट रहे हैं, एक को हम कह रहे हैं प्रोडक्शन सब्सिडी, प्रोडक्शन सब्सिडी, और दूसरे को हम कह रहे हैं प्रोडक्ट सब्सिडी, प्रोडक्ट सब्सिडी। तो देखिए अगर हम इन चारों कॉन्सेप्ट को नहीं सीखेंगे ना, तो फिर हम जीवीए बेसिक प्राइस और जीवीए मार्केट प्राइस के बीच और फैक्टर कास्ट के बीच अंतर नहीं समझ पाएंगे। तो आइए दोस्तों हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज प्रोडक्शन टैक्स, व्हाट इज प्रोडक्ट टैक्स, व्हाट इज प्रोडक्शन सब्सिडी एंड व्हाट इज प्रोडक्ट सब्सिडी। ओके, तो चलिए हम सीखते हैं सबसे प्रोडक्शन टैक्स क्या होता है। प्रोडक्शन टैक्स वो होता है जो कि प्रोडक्शन प्रोसीजर से डिफरेंट होता है या उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। प्रोडक्शन टैक्स डिपेंड नहीं करता है, ऑटोनॉमस होता है कि किस क्वांटिटी में आप चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये क्या प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करेंगे। मान लीजिए आपने एक जूते की फैक्ट्री खोली, तो जूते की आप 500 इकाइयां बनाएं या 5000 या 5 लाख, उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा प्रोडक्शन टैक्स। प्रोडक्ट टैक्स निर्भर करेगा जिस जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन टैक्स वो है जो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। प्रोडक्ट टैक्स वो है जो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, अगर आप ज्यादा प्रोडक्ट करेंगे तो ज्यादा टैक्स, कम प्रोडक्ट करेंगे तो कम टैक्स, लेकिन जो प्रोडक्शन टैक्स है ना वो डिपेंड ही नहीं करेगा कि आप कितना ज्यादा या कितना कम प्रोडक्ट कर रहे हैं। अगर आप प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो आपको टैक्स बियर करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द प्रोडक्शन टैक्स, उत्पादन कर का क्या उदाहरण है।
स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन फीस, ओके ना, रजिस्ट्रेशन फी देना होता है, स्टाम्प ड्यूटी आपको देनी पड़ती है। अगर कहीं चीज कोई प्रोडक्शन करने की आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि मैं प्रोड्यूस करूंगा, तो प्रोडक्शन हो या ना हो आपको रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ेगी, स्टाम्प ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी। यह डिपेंड नहीं करेगा कि आप 100 यूनिट बना रहे हैं या फिर आप नहीं बना रहे हैं या फिर आप 500,000 यूनिट बना रहे हैं, तो दैट इज प्रोडक्शन टैक्स। ये भी एक बहुत बड़े पैमाने का टैक्स है, ये भी एक बड़ी इकाई में बड़ी मात्रा में होती है प्रोडक्शन टैक्स। प्रोडक्ट टैक्स वो है, जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल क्या बताया आपको, स्टाम्प ड्यूटी, इसका एग्जाम्पल क्या बताया मैं, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन फीस। प्रोडक्ट टैक्स का क्या हो गया, जीएसटी, सेल टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जो भी आप टैक्स के बारे में सुनते हैं जो प्रत्येक प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, दैट इज प्रोडक्ट टैक्स। आप एक घड़ी खरीदने जाएंगे तो आप प्रोडक्ट टैक्स देंगे, जीएसटी देंगे, सेल टैक्स देंगे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी दीजिए, बैट दीजिए, ये सारे प्रोडक्ट टैक्स है। ये डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्शन है, ज्यादा घड़ियां बनाएंगे ज्यादा टैक्स दीजिए, मत कम घड़ी बनाइए कम टैक्स दीजिए, ओके। लेकिन प्रोडक्शन टैक्स आपको एक बार पे करना पड़ता है। इसी तरह देखिए दोस्तों, होता है प्रोडक्शन सब्सिडी एंड प्रोडक्ट सब्सिडी। कई बार गवर्नमेंट कुछ चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए सब्सिडी देती है कि आप इस चीज का प्रोडक्शन करिए, हम आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। लाइक एग्जांपल रेलवे को सब्सिडी देती है, लाइक एग्जांपल गवर्नमेंट स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ओके ना। कई बार गवर्नमेंट चाहती है कि आप स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप कर ले, आप जो है डेयरी डेवलप कर ले, आप पोल्ट्री की डेवलप करिए, तो गवर्नमेंट प्रोडक्शन क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है ताकि किसी चीज का स्पेसिफिक प्रोडक्शन बढ़ जाए। इट डिपेंड्स ऑन ओनली प्रोडक्शन शुरू हो जाए, इसके ऊपर नहीं कि आपने कितना प्रोडक्ट किया। जो प्रोडक्ट सब्सिडी है दूसरा, देखिए वो पर यूनिट प्रोडक्ट पे देती है। जैसे आपने सुना होगा गवर्नमेंट फर्टिलाइजर सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट जो है एलपीजी को सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट फ्यूल सब्सिडी देती है, ये सारे जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ना वो प्रोडक्ट पे देती है। और प्रोडक्शन पे किस पे देती है, जैसे पोल्ट्री खोलने के लिए दे दिया, डेयरी के लिए दे दिया, इन ओके ना एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करने के लिए दे दिया, या किसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आप जा रहे हो तो दे दिया। तो इस तरह से देखिए चार चीजों में अंतर मैं आपको बता रहा हूं टैक्स में। एक तो हो गया प्रोडक्शन टैक्स, जब आप प्रोडक्शन करने जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फी देना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ेगा, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द प्रोडक्शन टैक्स। प्रोडक्ट टैक्स जब प्रोडक्ट आप बनाएंगे तो उस प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी, सेल टैक्स लगा देगी, जीएसटी लगा देगी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा देगी, तमाम तरह के टैक्स लगा देगी। इसी तरह जब आप किसी चीज का प्रोडक्शन करने जाएंगे तो गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए कि आप उसका प्रोडक्शन करिए आपको प्रोडक्शन सब्सिडी दे सकती है। और प्रोडक्ट सब्सिडी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे होता है, एलपीजी के ऊपर होता है, डीजल के ऊपर दे सकती है, फर्टिलाइजर के ऊपर दे सकती है, तमाम बातों को यहां पर किया गया। अगर ये कंसेप्ट आप सीख लिए हैं तो आइए अब हम बेसिक प्राइस और फैक्टर कास्ट के बीच अंतर आपको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो अब देखिए आप लोग, देखिए जब मैं लिख रहा हूं दोस्तों कि जीवीए फैक्टर कास्ट, खूब ध्यान से प्लीज कंसंट्रेशन नहीं, अब मैं कह रहा हूं जीवीए फैक्टर कास्ट। अगर फैक्टर कास्ट है तो इसका मतलब कि ये जो प्रत्येक चरण में वैल्यू एड हुआ है उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो रिवार्ड दिया गया है सिर्फ उसकी बात किया गया। इसका मतलब जीडीपी, जीएनपी या जीवीए फैक्टर कास्ट में ना तो कोई टैक्स जुड़ा होता है ना सब्सिडी, वो सारी चीजों से अलग होता है। मैंने पिछले क्लासेस में आपको क्लियर किया था कि फैक्टर कास्ट वो होता है जो प्रोड्यूसर साइड कास्ट होता है, मतलब इसमें किसी तरह के टैक्स या सब्सिडी नहीं जुड़े हैं। तो जीवीए फैक्टर कास्ट हो गया और जीवीए बेसिक प्राइस, जीवीए यहां पर बेसिक प्राइस, इन दोनों के बीच हमको संबंध देखना है। अब जीबीए बेसिक प्राइस क्या होगा और जीबीए फैक्टर कास्ट के बीच रिलेशन क्या होगा, इसी रिलेशन को हम आपको बताने वाले हैं। देखिए इसमें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं जुड़ा है, नो टैक्स नो सब्सिडी, नो सब्सिडी। बट जो जीबीए है, यहां पे अभी बराबर का चिन्ह नहीं लगाते हैं, इन दोनों के बीच अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। जो जीबीए बेसिक प्राइस है इसमें एक टैक्स जुड़ा हुआ है, खूब ध्यान से सुनिए, वो है प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स। और कुछ घटा हुआ है तो वो है प्रोडक्शन सब्सिडी, प्रोडक्शन सब्सिडी। जब हम जीबीए बेसिक प्राइस पे निकालेंगे तो जीबीए फैक्टर कास्ट में तो कोई टैक्स नहीं जुड़ा है, लेकिन बेसिक प्राइसेज में प्रोडक्शन टैक्स, जो मैं बता रहा था कि जब आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जाइएगा तो गवर्नमेंट आपको टैक्स लगा देगी, तो वो जुड़ा हुआ है और प्रोडक्शन सब्सिडी इसमें से घटा दी गई है। तो दोनों के बीच अगर संबंध निकालना है तो ये आ जाएगा जीबीए बेसिक प्राइस, बेसिक प्राइस
इक्वल टू GBA, ओके ना, GBA फैक्टर कास्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। इसका मतलब देखिए, ये दोनों के बीच संबंध निकल आया। जीबीए बेसिक प्राइस में क्या करेंगे, फैक्टर कास्ट लेंगे और उसमें गवर्नमेंट जो प्रोडक्शन टैक्स ली है, कौन सा टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी, उस प्रोडक्ट को शुरू करने वाले के पहले जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर गवर्नमेंट कोई प्रोडक्शन सब्सिडी देगी तो उसे हम घटा देंगे। तो ये हमारा संबंध दोस्तों आ गया जीबीए बेसिक प्राइस और जीबीए फैक्टर कास्ट में। अगर हम मार्केट प्राइस से इसकी कंपेरिजन कर लें, व्हाट इज जीबीए मार्केट प्राइस, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीवीए बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। अब ज्यादा ध्यान से देखिए, जब हम जीबीए मार्केट प्राइस पे निकालेंगे जो मार्केट में चल रहा है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जीबीए बेसिक प्राइस लिए, बेसिक प्राइस में कौन सा टैक्स जुड़ा है, प्रोडक्शन टैक्स, और कौन सा सब्सिडी कटा है, प्रोडक्शन सब्सिडी। अब इसमें अगर हम पर यूनिट जो टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है, जीएसटी सेल टैक्स, उसको जोड़ दें और पर यूनिट कोई सब्सिडी दे रही है उसको घटा दें, तो यह आ जाएगा हमारा जीबीए मार्केट प्राइस। अब देखिए, अब मैं बता रहा हूं कि यह तीनों में संबंध कैसा है। जीवीए फैक्टर कास्ट में कोई टैक्स कोई सब्सिडी नहीं जुड़ी है, जीवीए बेसिक प्राइस में जुड़ा हुआ है प्रोडक्शन टैक्स और घटा दी गई है प्रोडक्शन सब्सिडी। तो जीवीए बेसिक प्राइस निकालने के लिए हम फैक्टर कास्ट में प्रोडक्शन टैक्स जोड़ के प्रोडक्ट सब्सिडी घटा रहे हैं, और जब जीबीए मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं तो जीबीए बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी को रिड्यूस कर दे रहे हैं। तो सेक्टरल ग्रोथ रेट, मैंने बताया कि आफ्टर 2015 गवर्नमेंट जीवीए बेसिक प्राइस पे निकाल रही है, 2000 के बाद जीवीए बेसिक प्राइस, 2015 के बाद जीवीए बेसिक प्राइस पे, जबकि उसके पहले जीवीए फैक्टर कास्ट पे निकाली थी। और इसके अतिरिक्त मैंने जो दूसरी आपसे बात बताई है कि जो हेडलाइन ग्रोथ रेट है वो किसके ऊपर गवर्नमेंट निकाल रही है, जीडीपी मार्केट प्राइस पे, किसके ऊपर निकाल रही है, जीडीपी मार्केट प्राइस पे। तो जीडीपी मार्केट प्राइस जब गवर्नमेंट निकालेगी तो आप समझ रहे हैं कैसे निकालेगी, GVA मार्केट प्राइस गवर्नमेंट निकालेगी और इससे डिराइव करेगी GDP, और इसी को GDP के लिए हमने कांस्टेंट मार्केट प्राइस शब्द का यूज किया, कांस्टेंट मार्केट प्राइस। तो इसमें और इसमें क्या संबंध है उसके आइए हम बात कर लें। तो हो जाएगा GDP मार्केट प्राइस इक्वल टू GVA बेसिक प्राइस, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टरल ग्रोथ इसी के ऊपर निकालेगी, प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, इससे गवर्नमेंट निकालेगी हेडलाइन ग्रोथ रेट। जीबीए जीडीपी मार्केट प्राइस निकालने के लिए पूरा वो कैलकुलेट कर देगी, प्रत्येक चरण में जितने भी जीबीए बेसिक प्राइस हुए हैं वो कितने हुए हैं पूरे इकोनॉमी में, उसमें प्रोडक्ट टैक्स जोड़ लिया और प्रोडक्ट सब्सिडी को रिड्यूस कर दिया, तो निकल गया जीडीपी मार्केट प्राइस। इसी को गवर्नमेंट कॉन्स्टेंट मार्केट प्राइस कर रही है और हेडलाइन ग्रोथ रेट इसी से निकाल रही है। तो हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आपको कि 2015 के बाद जो सेक्टरल ग्रोथ रेट है वो गवर्नमेंट दे रही है जीबीए बेसिक प्राइस के ऊपर, और 2015 के बाद जो हेडलाइन ग्रोथ रेट निकाल रही है वो निकाल रही है जीडीपी कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे, जो डिराइव्ड है जीबीए बेसिक प्राइस से। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपने सीखा, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी आपको मैं बताता चलूं, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए नेशनल इनकम गवर्नमेंट दो तरीके से निकालती है, एक को कहते हैं हम रियल नेशनल इनकम, ओके, और दूसरे को कहते हैं मॉनेटरी आर नॉमिनल नेशनल इनकम, नॉमिनल
नेशनल इनकम। ओके, आइए इन दोनों के बीच अंतर समझ सकते हैं कि व्हाट इज रियल नेशनल इनकम एंड व्हाट इज मॉनेटरी या नॉमिनल नेशनल इनकम। ये भी चीजें कई बार पूछ ली जाती हैं कि व्हाट इज रियल नेशनल इनकम एंड व्हाट इज मॉनेटरी नेशनल इनकम। देखिए, जैसे मान लीजिए आप कि 2017 में इकोनॉमी में सिर्फ 200 फैन प्रोड्यूस हुए, 200 फैन पंखे प्रोड्यूस हुए और कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हुआ। 2016-17 में सिर्फ 200 फैन प्रोड्यूस हुआ और कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हुआ, और इस प्रत्येक फैन की प्राइस थी 1000। कितनी थी? 1000। अगर आप जीडीपी मार्केट प्राइस अगर आप निकाल लें, अब जीडीपी मार्केट प्राइस तो ये हो गया है आपका 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हो गया। ठीक, अब हुआ क्या, 2016-17 के बाद 2019 और 20 चला आया और हमने फिर से सिर्फ 200 फैन ही प्रोड्यूस किए, एक भी ज्यादा नहीं। लेकिन हुआ क्या, इस फैन की प्राइस जो है अब 1000 न होके कितनी हो गई, 2000 हो गई। पहले 1000 पर फैन था, अब इन्फ्लेशन के कारण कीमतें बढ़ के कितनी हो गई, 2000 फैन हो गई। तो अब अगर हम जीडीपी मार्केट प्राइस दोस्तों निकालेंगे ना, तो ये हो जाएगा 4 लाख रुपए। कितना हो जाएगा? 4 लाख रुपए। इसका मतलब नेशनल इनकम बढ़ गई दोगुनी, नेशनल इनकम बढ़ गई दोगुनी। बट क्या आपको लगता है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ा है? बिल्कुल नहीं बढ़ा है, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं बढ़ी है, सिर्फ मॉनेटरी फॉर्म में कीमतें बढ़ गई हैं। तो इससे किसी का कल्याण नहीं बढ़ेगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, उसकी प्राइसेज बढ़ गई। इसलिए अगर हम प्राइसेज के अकॉर्डिंग हम नेशनल इनकम को मेजर करें तो एक प्रॉब्लम आएगा कि क्या इन्फ्लेशन की वजह से नेशनल इनकम बढ़ गया, प्राइसेज बढ़ने की वजह से, या फिर एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ है। इसीलिए गवर्नमेंट ये कॉन्सेप्ट लेके आती है रियल नेशनल इनकम एंड मॉनेटरी इनकम, मॉनेटरी नेशनल इनकम। तो ये कैसे निकाला जाता है, जो मॉनेटरी नेशनल इनकम है उसका फार्मूला क्या है, क्यू इंटू पी करेंट ईयर। खूब ध्यान से सुनिएगा, करेंट ईयर, यहां पे क्यू का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमी में उस साल कितने वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन हुआ और उस समय प्राइसेज क्या रही उनकी, पीक करेंट ईयर। तो जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए और उसी साल जो उनकी प्राइसेज रही उससे आप गुणा कर दीजिए, तो आंसर आपका निकल आएगा मॉनेटरी और नॉमिनल नेशनल इनकम। लेकिन जब आप रियल नेशनल इनकम निकालेंगे ना, तो इसका फार्मूला होगा क्यू इंटू पी बेस ईयर। बेस ईयर, बेस ईयर का मतलब है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज में करेंट प्राइस से गुणा न करके जो बेस ईयर जो हमने एडॉप्ट की हुई है उसके प्राइसेज को लेंगे। गवर्नमेंट ने अभी जो हमारी बेस ईयर ली हुई है नेशनल इनकम अकाउंटिंग में वो ली है 2011 एंड 12, जो पहले थी 2004 एंड 5। 4-5 से गवर्नमेंट चेंज करके कर दिए 2011 12। तो यहां देखिए प्रोडक्शन तो इसी साल का है, अगर 2000 हम 19-20 की नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो 19-20 वाला है, लेकिन जो पी है ना वो करेंट प्राइसेज ना होके बेस ईयर मतलब 2011-12 की प्राइसेज है। इसका मतलब जो हमारा बेस ईयर का नेशनल इनकम होगा वो इन्फ्लेशन से मुक्त होगा, वो उस समय के प्राइसेज पे हम देखेंगे कि कितना बढ़ा है नेशनल इनकम। अगर 2011-12 से लेके 2019-20 तक 1920 तक अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो फिर बेस ईयर की नेशनल इनकम रियल नेशनल इनकम नहीं बढ़ेगी, यद्यपि मॉनेटरी नेशनल इनकम या नॉमिनल नेशनल इनकम बढ़ता जाता है। इसलिए हम लोग बेस ईयर का कॉन्सेप्ट लेते हैं। बेस ईयर एक ऐसे ईयर को गवर्नमेंट लेता है या फिर सीएसओ लेता है जो एक नॉर्मल ईयर होता है और इसमें कोई ज्यादा प्राइसेस फ्लक्चुएशन नहीं आते हैं, कोई नेशनल कैलेमिटी नहीं आती है, बाढ़ सुखा नहीं आया होता है और ना तो कोई देश पे आक्रमण या इंटरनल कोई प्रॉब्लम हुआ रहता है। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं रियल एंड नॉमिनल नेशनल इनकम की। रियल नेशनल इनकम में गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें हम गुणा करते हैं बेस ईयर के प्राइसेस से, और नॉमिनल में हम गुणा करते हैं
करंट ईयर के पैसे चल रही है, बेस ईयर प्राइसेस लेने से ये पता लग जाता है बेस ईयर रियल नेशनल इनकम कब बढ़ेगी, जब एक्चुअल आप गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करिएगा तो। और नॉमिनल नेशनल इनकम बढ़ सकता है बिना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किए हुए, सिर्फ प्राइसेज बढ़ जाए तो। इसलिए रियल नेशनल इनकम बढ़ना ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों आज मैंने ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को टच किया है, जिसमें हम लोगों ने बात किया है कि रियल नेशनल इनकम क्या होता है और फिर मॉनेटरी या फिर नॉमिनल नेशनल इनकम क्या होता है। और सबसे महत्वपूर्ण हमने बात किया है कि 2015 के बाद हम लोगों ने जो हेडलाइन ग्रोथ रेट मेजर किया है वो जीडीपी, ओके ना, जीडीपी मार्केट कॉन्स्टेंट मार्केट प्राइस पे किया गया है। और उसको निकालने के लिए जो सेक्टरल ग्रोथ रेट होता है, जो सेक्टरल जीबीए निकाला है, वो बेसिक प्राइसेस पे निकाला है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मेरा पांचवा वीडियो था। इसके अतिरिक्त चार वीडियो और भी नेशनल इनकम पे है, उसे आप जरूर देखिए। मैं लास्ट नेशनल इनकम का वीडियो जल्दी ही आपके सामने रखूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि भारत में नेशनल इनकम तीन मेथड से मेजर किए जाते हैं, वो चीजें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यूपीएससी में पूछा जाता है कि किन किन चीजों को नेशनल इनकम में जोड़े और किन किन चीजों को नेशनल इनकम में नहीं जोड़े, मैं एक फार्मूला आपको बताऊंगा जो मेरा फार्मूला है कि किन किन चीजों को आप नेशनल इनकम में जोड़िए। अगर उस फार्मूला को आप क्लियर कर रखिएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी का गलत नहीं होगा, वो मेरे ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दीजिए, ओके। तो ये वीडियो मैं आपके सामने आज रख रहा हूं और मैं ये आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाइए इकोनॉमिक्स के प्रति, थोड़ा सा उसके प्रति अपना अभिरुचि दिखाइए। और ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, यूपीएससी में बहुत मार्क्स पूछे जाते हैं, आप इसमें बहुत अच्छा करिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।